नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसी सप्लाई के लिए वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये 500 के का एक पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं, और उसके बाद DB3 डाइक ले लेते हैं। डाइक को हम बीच वाली पॉइंट पे एक सिरे को जोड़ देंगे इस तरह से। उसके बाद हम BT 139 ले लेंगे, ये वाली गेट पिन को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे जोड़ दिया है दोस्तों। और एक लेना होगा दोस्तों 39K का रेजिस्टेंस, जो कि ये ऐसे जुट जाएगी बीच वाली पॉइंट में, BT 136 की बीच वाली पॉइंट में एक सिरे को जोड़ें। जोड़ दिए हैं इस तरह, और एक यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से जोड़ दिए हैं। इस तरह से जोड़ने के बाद आप 150 नैनो फैराडे का एक कैपेसिटर ले लेंगे दोस्तों। जहाँ पे ये बीच वाली मिडिल वाली जो पॉइंट है पोटेंशियोमीटर की, वहाँ पे आप जोड़ देंगे इसे। इस तरह से। उसके बाद बची हुई पिन को हम आप यहाँ पे जोड़ देंगे लास्ट वाली पिन पे, BT 136 जो है, इस तरह से। यहाँ पे जोड़ देंगे इसे। जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे हम इनपुट देंगे, यहाँ पे आउटपुट। बीच वाली पिन पे आउटपुट और यहाँ पे इनपुट जोड़ेंगे। तो चलिए अभी हम इनपुट जोड़ते हैं। ये देखिए, ये टॉप है इनपुट के लिए। हम एक पिन को हम यहाँ जोड़ देते हैं। जोड़ दिए हैं इस तरह से। आउटपुट के लिए हम यहाँ जोड़ेंगे बीच में, बीच वाली पॉइंट पे। अब चलिए मल्टीमीटर को और 220 वोल्ट पे हम सप्लाई देके देखते हैं। तो अब दोस्तों मल्टीमीटर और एक बल्ब लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं इससे वोल्टेज कंट्रोल करके। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 55 वोल्ट, 100 वोल्ट, इस तरह से आप कंट्रोल होगा। देखिए एक भी थोड़ी सी भी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है। अभी हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं मल्टीमीटर से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों 50 चेंज नहीं होती है इसमें फ्रीक्वेंसी। ये देखिए थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। मल्टीमीटर को देखें दोस्तों, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इतना भी कम वोल्टेज है उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है। ये देखिए फिर से हम वोल्टेज चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है दोस्ती, 84 वोल्ट है।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बेल की ऑल पे क्लिक कर दें दोस्तों। थैंक यू।